अनिल कुमार, और ये मेरी माता जी बैठी हुई हैं, जो मेरे घर के रख रखाव के बारे में कुछ आप लोगों से मेरी बुराई शेयर करेंगी। ये घर जो है पूरा कबाड़ खाना बना रखा है। अब आप बोलना शुरू करो तो माता जी के विचार। बोले क्या मतलब, बाहर निकलो, वो बेंच है तो भरी पड़ी है, देखिए साहब, मेज है तो भरी ये पड़ी बेंच है, भरी पड़ी, ये मेज पूजा में भरी मेज पड़ी, रखी है वो भी भरी पड़ी है। और देखो पूजा में मेज वो भरी पड़ी। मैं करूँ तो मतलब घर करूँ पूरा क्या? पूरा खाना हो गया सब। ये सही बात है, भगवान जी के पास बोलो सारे डब्बे रखे हुए इसी हैं। चक्कर में तो हमारे परसों हाथ में दर्द हो गया बिल्कुल था, सही कह रहे हो आप, जब देख के हमसे राहत नहीं होती नहीं तो है। आपसे को देख के रहा नहीं आता, और हम यही देख देख के रहते रहते देखते देखते रहते हैं। लेकिन अब आपको बता दें, ये चूंकि हम आटा लाए थे, रवा लाए थे, आलू लाए थे। तुमने अरे शांतिस कैसा पढ़ा है सुबह भैया, मैं मुझे अपना बोल रहे थोड़ा, तो ये सब सामान इसलिए रखा है कि अब अभी हम उसमें कर देंगे शांति से। बाहर जो बेंच पड़ी है वो साफ कराई थी हमने, तो ये है भाई। तो ये मेज नहीं साफ करा सकते? अरे तो अरे भैया, और बताओ और क्या क्या साफ कराना है बताओ। दरअसल यस हमें इतनी उलझन होती, कोई अगर बाहर वाला भी आ जाए। अब वो बेड पड़ा हुआ है, चादर तुमने धोया था यहाँ? भाई, ये बेड पड़ा है, माते कह रहे इस पर भी तुमने चादर डाल दिया है। हमने भैया चादरा इसलिए डाला था, पानी तेज आया तो हमने उठा के लाग जल्दी से यहाँ डाल दिया, इसलिए चादरा यहाँ पड़ा है। बाथरूम तो खाली था, क्या हिसाब किताब तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? छोटे बच्चे हो तब तो ये कि चलो घर गंदा पड़ा है। हम भैया छोटे ही बच्चे हैं, तभी डांट खाते रहते हैं दिन भर हमेशा। आप रात को उठ के बोलो हाँ ये कहने। अरे हम प्रेस कर रहे थे, हम भूल गए। आप उस समय कहे थे हमें भाई एक कप दूध तो दे दो, उस समय नहीं कहा, 1 घंटे बाद वहां पे प्रिया हमसे लड़ने लगी। वहां पे कोई तरीका है? नहीं, रस निकाला और वो बोमिया की शोपीस बना लिया। पपीता चलो लाए जिसमें लाए थे, वो भी यहाँ शोपीस बना लिया। भाई, यहीं पे ब्लॉग को बंद करते हैं, काफी लंबा हो गया है, मेरी खूब आलोचना हो चुकी, अब इसके साथ रखते हैं। अब ये तो आप समझ सकते हैं कि हर घर में बच्चे अपने माता जी के आलोचना के शिकार तो होते ही होते हैं, ये तो मुझे पता है। उन्हीं में से मैं एक हूँ, बच्चा तो नहीं हूँ लेकिन उनके लिए बच्चा ही हूँ, इसीलिए किसी घर गए हो तो भी फ़ोन पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं, तो ऐसा है भाई। उनका लेकिन मैं छोड़ सकता लेकिन लेकिन था? ज़िंदगी इसी में, इसी को ज़िंदगी कहते हैं, लड़ते भिड़ते प्यार बना रहे, इससे बढ़ के और क्या होता है। ये कहाँ